व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन दबाएं और टीवीएफ की कोई वीडियो मिस ना करें। साले तू बाहर मिल मुझे, मैं बता रहा हूँ दीप्ति मेरी है। अरे कमीने तेरी क्या, मेरी भी पाई है वो। चुपचाप बैठ। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैडम। सो क्लास, कल शाम को नेल पॉलिश लगाते हुए मैं आप लोगों के यूनिट टेस्ट पेपर्स चेक कर रही थी, एंड आई थिंक कुछ महारथियों के नाम लेना जरूरी है। बैकसीट बॉयज, पिछले 3 साल की तरह इस बार भी तुम स्केल से मार्जिन और हिंदी में ओम लिखकर छोड़ आए हो, पर क्योंकि इस बार मार्जिन स्ट्रेट था और ओम की स्पेलिंग सही, तुम सबको आधे मार्क्स दे दिए हैं। yes! मिला के तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ऋतिक, स्टैंड अप। मैम, सिर्फ शार्प मेमोरी होने से कुछ नहीं होता, शार्प पेंसिल की भी जरूरत पड़ती है। मैं फिर तुम्हारी आंसर शीट पढ़ ही नहीं पाई, पर क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं स्कूल टाइम पे पहुंची, इसलिए तुम्हें पास कर दिया है। अपने मुंह से मेरी साइकिल में हवा भरने के लिए थैंक यू। मैंने टेस्ट के पहले ही बोला था शार्प में यूज करने से डर लगता है, तो पेंसिल मेरे दांत पे घिस ले, ये देख, शार्प हो जाती है पेंसिल। प्रॉब्लम पेंसिल की नहीं है यार रोशन, इट्स मी, मेरी हैंडराइटिंग ही खराब है, क्या करूं यार, आखिर हूं तो एक डॉक्टर की औलाद ना। तो क्लास, हर बार की तरह इस बार भी यूनिट टेस्ट का टॉपर ही बनेगा क्लास का मॉनिटर, और इस बार का मॉनिटर वही है जिसे सारी क्लास, सारा स्कूल, यहां तक कि मेरे हस्बैंड को भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यूनिट टेस्ट टॉपर एंड क्लास मॉनिटर अभिनव का। अभी चावड़ी बाजार से बन के आया है ना, तो सो क्लास एंड अभिनव, आप सबसे अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं डबल डेटिंग की उम्र में स्कूल में पढ़ाने आई थी और आज मेरी डिवोर्स की उम्र हो चुकी है। इतने सालों में इस बोर्ड पर नाम बस भरते ही रहे, कभी ये बोर्ड साफ दिखाई ही नहीं दिया गया, इसलिए मैं पढ़ाने के लिए अपना पर्सनल बोर्ड भी लेकर आती हूँ। एनीवे, अभिनव, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बोर्ड को साफ करके दिखाओगे। वेल डन बच्चे। ये कमीना मॉनिटर कैसे बन गया, तो ये सबकी माँ बहन एक करेगा। मेरे तो पहले से ही एक है, है? मेरी बहन नहीं है ना, तो मम्मी ने ही बहन का प्यार दिया, बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग का। YouTube, ऋतिक रोशन, keep quiet, अपना बोर्ड पे नाम लिख दूंगा, वो भी कैप्स लॉक में। प्रीति, मैं क्या बोल रहा था, तुम रोशन से बात क्यों नहीं करती है? ए! साइबर कैफे है क्या जो बैठ के आशिकी कर रहा है? भाभी, लेट मी हैंडल दिस। क्या बे साले, क्या चाहिए तुझे? चौल्क। चौल्क? चौल्क। भाग के जा और स्टाफ रूम से चौल्क का डब्बा लेके आ। मॉनिटर तो तू है, तू जाके लेके आ, और चौक का डब्बा भरा हुआ है वहां पे। Oh!
अशोन डस्टर मत भूलियो। देख 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 साली की शक्ल देख, साल मॉनिटर क्या बन गया, अपने आप को चौधरी समझता है। अबे वो चौधरी ही है, अभिनव चौधरी, और तू सिर्फ रोशन। हाँ तो मैं क्या करूं, जब भी मम्मी से पापा का नाम पूछता हूँ तो बोलती है गुप्ता अंकल से पूछो। hey! साइलेंस! साला चीटिंग करके टॉप क्या आ गया? चीटिंग? तुझे कैसे पता? और नहीं तो क्या, उस दिन टेस्ट में ज्योमेट्री बॉक्स बार बार देख रहा था, मुझे लगा फॉर्मूला देख रहा है, पर जैसे ही मैंने अपना निबंध कंप्लीट किया मुझे पता चला एग्जाम तो हिंदी का था। क्या बात कर रहे हैं? तो तुम्हारी शक्ल तो मेरे माँ बाप जैसी है ही, अब उनकी तरह मुझे पीठ पीछे गालियां भी देने लग गए। तुम्हारा नाम तो लिख के रहूंगा मैं, और वो भी सबके ऊपर। अभिनव ऊपर मत लिख, अभिनव ऊपर मत लिख, अभिनव प्लीज ऊपर मत लिख, शर्ट के ऊपर मत लिख प्लीज। गुप्ता अंकल को लगेगा मेरी फेयरवेल हो गई है, फिर वो अगले महीने से मेरी फीस भरना भी बंद कर देंगे यार। ऋतिक बोलना। लिखने दे रोशन, लिखने दे, बड़ा चीटर बनता है ना, कॉपी करके भी सही स्पेलिंग नहीं लिख सकता ये। तो क्या बोला साले, स्पेलिंग खराब है तो क्या हुआ, हैंडराइटिंग तो अच्छी है ना। घंटी ने बचा लिया साले तुझे। हाँ हेलो, हाँ मम्मी, हाँ हाँ आओ जो आओ जो। हाँ चल चल, आज असेंबली में तुझे ही प्रेयर पढ़ना है। दो मिनट रुक यार, प्लेज के बाद चलेंगे, वरना वो प्रीति हमेशा की तरह मुझे देखकर हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, ये लाइन आते ही मुझे राखी दिखाकर डराएगी। अबे ओ, असेंबली से पहले यहाँ तो लाइन में लग जाओ। क्यों? यूनिफॉर्म चेक, और जो भी फेल होगा वो यहीं रुकेगा क्लास में। शर्ट प्रेस नहीं है फेल, टाई ठीक नहीं है फेल, नाखून बड़े हैं फेल, बाल बड़े हैं फेल, दांत बड़े पास, जूता ठीक नहीं है फेल। अभी ना प्लीज ना यार, जाने देना यार, ऐसा मत कर यार, आज मेरी बारी है माइक पे प्रेयर पढ़ने की। फेल, अब यहीं रुक। रोशन रोशन रो मत यार, रोशन उठना। तू नहीं समझ रहा है ऋतिक, खड़े खड़े मेरे पाँव में दर्द होने लगा था इसलिए बैठ गया था। तू बैठ, तुझे इसने बुलाया ना, अब मैं ऐसे देखता हूं। मेरे चिट्स चुरा के खुद मॉनिटर बनना चाहता है, अपनी हैंडराइटिंग भूल गया। इस बार निधि मैम तुझे पास भी नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने उनके लिए साइकिल में हवा भरने वाला पंप खरीद लिया है, और मैंने ये खरीद लिया है, और ये भी। अच्छे मार्क्स और मुझसे भी अच्छी हैंडराइटिंग के साथ इस टेस्ट को पास करने वाले क्लास के नए मॉनिटर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बोर्ड को साफ करके दिखाओगे। यस मैम। यस मैम। सॉरी, वो एक्चुअली मैं अपनी साइकिल का पंप भूल गई थी। भाई मॉनिटर हो तो ऐसा, जो तुमसे नहीं खुद ड्यूटीज निभाए, जो फर्रे नहीं
नोट्स बनाए जो क्लास को सजा नहीं मजा दिलाए। Hey guys. Guys, if you like this video, please like, share and subscribe TVF. And also comment अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मॉनिटर हो तो ऐसा, और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिख बताइए कि किन गलतियों की वजह से आपका नाम आपके मॉनिटर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। वो गलतियां हमें बताइए। शायद दीपेश आप कभी मॉनिटर बने क्लास के? नहीं यार, मैं मॉनिटर नहीं था यार, मतलब मैं थोड़ा शरीफ बच्चा था, क्योंकि शरारती बच्चों को बेसिकली मॉनिटर बनाया जाता है। हाँ, मैं वो शरारती बच्चा था जैसे कि चलो शरारत नहीं करेगा तो मॉनिटर बनाए थे, तो मैं तो कभी मैं डिजर्व नहीं करता था कभी पढ़ाई के नाम पे। हम पढ़ाई वाले नहीं थे, मतलब मैं तो था ही नहीं, शिवांकित आई थिंक। वो सही है, लेकिन ये वर्क करता है मेरे ख्याल से, जो मॉनिटर हो अगर वो स्टूडेंट थोड़ा शरारती है तो उसे मॉनिटर बना दो तो हमेशा वर्क करता था। एंड गाइज ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू नो मोर अबाउट आर बिहाइंड द सीन्स एंड मेकिंग ऑफ दिस एपिसोड। सो कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू। थैंक यू।